हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय तो आज हम बनाएंगे शुद्ध पेड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिए हैं। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं हाई फ्लेम करके। इसे हम आधे घंटे तक हाई फ्लेम पे चला के पकाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध का कलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम हाई फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ऐसे ही, और हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे पेड़ बन के तैयार हो एकदम परफेक्ट तरीके से। थोड़े से और पक जाने के बाद हम इस गैस का फ्लेम लो कर देंगे गाढ़ा होने तक, ताकि नीचे चिपके नहीं पेड़े। ऐसे ही हम इसे पास यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसे हम लगातार ऐसे चलाते हुए पकाएंगे लो फ्लेम पे। आप इसमें मीठे खाने के लिए आपको जो पसंद हो आप उसके अनुसार आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको चीनी पसंद हो तो चीनी डाल सकते हैं, और गुड़ पसंद हो तो गुड़ डाल सकते हैं। इसे हम लगातार ऐसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गुड़। आप अपने मीठे के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो उसके अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं, और किस चीज़ में आपको खाना है आप पे डिपेंड करता है। इसे भी हम ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ही लगातार मिलाते हुए इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे ये पेड़े का डो गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है
तब तक आइए एक छोटा सा प्लेट लेते हैं, उसमें चारों तरफ हम घी लगा लेते हैं ताकि पेड़े का डो इसमें चिपके नहीं। अब इसमें हम पेड़े का डो निकाल लेते हैं, ये हल्का सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, नहीं तो पेड़े परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा ली हूँ ताकि पेड़े चिपके नहीं हाथों में। इसे हम छोटे छोटे लोइयों के आकार में ऐसे गोला करके पेड़े का शेप देंगे। मैंने यहाँ पे गुड़ के पेड़े बनाए हैं, बाज़ार में चीनी के या मैदे के भी पेड़े मिलते हैं जो मिलावट रहते हैं, उसमें कई तरह के केमिकल भी मिलाए रहते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये गुड़ के पेड़े हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे कोई बीमारी भी नहीं होगी और आप हमेशा हेल्दी रहिएगा। चीनी खाने से तो हमें कई सारी बीमारियाँ होती हैं, आप एक बार गुड़ में भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम गोले गोले आकार में करके इसे पेड़े का शेप दे देंगे, आपको जितना शेप पसंद हो आप उसके अनुसार इसको अपना शेप दे सकते हैं। ऐसे ही हमें एक एक करके सारे पेड़े बना लेते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए एक हेल्दी पेड़े के साथ और हमेशा खुश रहिए और हेल्दी रहिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।